जी एशिया का देखिए जैसे ये नॉर्मल एक प्रैक्टिस है, कोई टूर्नामेंट होता है उससे पहले कहीं कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखने के लिए डेलीगेशन आते हैं, ख़ास तौर पे जब ये रीसेंट टाइम में प्रॉब्लम हुए थे सिक्योरिटी के तो उसमें बहुत केयरफुल थे ये एशिया भी और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी। एशिया हॉकी फेडरेशन के यहाँ एक सिक्योरिटी डेलीगेशन पहले चक्कर लगा भी जाएगा और हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि आप अच्छी तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ देख लें और यहाँ एक बिल्कुल सिक्योरिटी फ्री जो है ये ट्रबल फ्री हमारा कंट्री हो गया हुआ है और हमें उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। फिर उन करने के बाद हमें सारे बाकी जितने मुल्क हैं एशिया के मेन जैसे चाइना एशिया है सॉरी जापान है चाइना है आपका कोरिया है और बाकी मुल्कों को भी हम इंटीमेट करेंगे कि हमारा बिल्कुल जो मुल्क है ये फ्री एंड फेयर है, इसलिए आप लोग फ्री और फेयर होकर तरीके से अपने बिल्कुल कोई हेजिटेशन रखते बगैर आप तशरीफ लाएँ और हम आपको अच्छे होस्ट साबित होंगे। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि देखो जी हम चाहते थे कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ आएँ, बड़ी टीमें आएँ, यहाँ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कुछ हमें इनकार करे यहाँ टूर्नामेंट, लेकिन चूंकि हमारा काफ़ी देर से ये कोविड इसका रहा जो इसका टेररिज्म का प्रॉब्लम तो उससे काफ़ी खौफजदा लोग थे, लेकिन मैंने उनको बावर किया कि इस वक्त बिल्कुल सेफ चीज़ है, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स यहाँ हो रहे हैं, कबड्डी यहाँ हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, कन्विंस उनको करने में थोड़ा टाइम लगा। अभी एशिया लेवल पे उन्होंने हमें कमिटमेंट की है कि आपको हम टीमें भी देंगे, इंडिविजुअल टीम्स भी आएंगी और कोई हम आपको एक दो टूर्नामेंट देंगे जो एशिया लेवल के होंगे, छोटे भी और बड़े भी। तो मेरा ख्याल उससे हमारी इंटरनेशनल हॉकी जो है बहाल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर और ये बड़ा खुशाइन चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे हमें काफ़ी एफर्ट करने चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से हम कर सकें और एक अच्छा एग्जांपल दे सकें। वो इंडिया का तो चलो जी हमारा भी इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का अगर ये सीरीज़ का काम शुरू हो जाए तो हमारी हॉकी बहाल हो जाती है और बहुत अच्छी हो जाती है और बाकियों के मुकाबले में हम कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे हम इनको जो ये हम कर लेंगे तो एशिया लेवल पे ही सारे उनको इंटीमेट भी कर देते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा ये जो एक्सपोजर है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये काफ़ी अच्छे तरीके से उनको बावर हो जाएगा, उनको लिखेंगे भी कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ ताकि वहाँ से हम सीरीज़ भी खेल सकें और अच्छा एक एटमोसफियर पैदा कर सकें।